शुरुआत का स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। शादी के लिए बना नकली सब इंस्पेक्टर, सगाई में ले लिया 8 लाख रुपए। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने इंदौर से आ रहा है और उसी दौरान ही वहां पर विजयनगर है, विजयनगर थाना स्टेशन में एक बहुत ही अजीब सा केस आया, जिसके बारे में जानने के बाद वहां के जो कर्मचारी थे वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि एक युवक ने सिपाही से सब इंस्पेक्टर का सफर जो है कुछ ही महीने में तय कर लिया, जिसके बाद जो है जिस युवती के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी उस युवती को इसके ऊपर काफी ज्यादा डाउट हुआ और उसने इंदौर के विजयनगर थाना स्टेशन में जाके इसके बारे में जांच पड़ताल निकालनी शुरू की। जबकि उसको पता चला कि भाई जिस युवक के बारे में ये बात कर रही है, जो युवक इसका होने वाला पति है, वो सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। हालांकि इस युवक ने जो है कुछ महीने पहले लड़की से प्रेम संबंध किया और उसको शादी का झांसा दिया और एंगेजमेंट की, और एंगेजमेंट के दौरान उसने 8 लाख रुपए और एक्टिव गाड़ी जो है वो भी युवती के परिवार से ले ली। इसी दौरान कुछ ही समय में जो सिपाही से जो इंस्पेक्टर बनने का जो सफर था, जो कि ये अंडरकवर अपने आप को पुलिस वाला बताता था, वो एक्चुअली में उसका काफी बड़ा खुलासा हुआ। युवती ने ये काफी बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद जो है विजयनगर की पुलिस स्टेशन में इसको लेके जाने के बाद वहां पर पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इसका नाम है राजवीर, राजवीर है इसका नाम, और राजवीर काफी ज्यादा झूठ बोलता था और उसी दौरान ही ये दूसरी जगह का रहने वाला है। और वहां के जो SP है संतोष, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि एक युवती की वजह से काफी बड़ा खुलासा हो पाया और इसकी एक गलती थी कि सिपाही से सब इंस्पेक्टर बनने का ये जो रास्ता था ये बहुत जल्दी तय कर गया था, जिसके ऊपर लड़की को काफी ज्यादा शक हुआ और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी एक और केस सामने आया है जिसमें इस युवक ने एक युवती से 40 लाख रुपया भी लिया है और वो आशंका ये जता रहे हैं कि और भी पीड़ित जो है सामने आएंगे इससे जुड़े हुए, और अभी इस युवक से और भी ज्यादा पूछताछ चल रही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।